Hello everyone. Today we are going to see SQL query to find the number of employees in each department. So यहाँ पे मेरे पास क्या है, सेलेक्ट देखिए एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे मैंने बनाया है. सो यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30 यहाँ पे, और यहाँ पे और एक टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट. सो यहाँ मेरे पास दो टेबल्स हैं, एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट. सो अगर यहाँ पे मुझे क्या करना है, ईच डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ है वो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेजर हियर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 10, डिपार्टमेंट नंबर 10. सो यहाँ पे एक, यहाँ पे थ्री है, थ्री, और यहाँ पे एक है. सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट 10 इज 4. देन नेक्स्ट 10 में 4 हो चुके, अभी 20, डिपार्टमेंट नंबर 20 में देखेंगे. दिस आर द 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4. सो डिपार्टमेंट नंबर 20 में कितने 4 एम्प्लॉयज है. नेक्स्ट वी विल सी डिपार्टमेंट 30 में 1, 2, 3 एंड हियर लास्ट वन इज 4. सो डिपार्टमेंट 30 में भी 4 है एम्प्लॉयज. सो नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड दिस. सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी. सो यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट, यहाँ पे क्या लेता हूँ मैं, डिपार्टमेंट नंबर एक लेता हूँ, DEPT नंबर कॉमा, यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे, दैट इज काउंट, काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम टेबल का नेम एम्प्लॉय, और यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करेंगे, GROUP ग्रुप बाय. यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर में निकालने हैं, सो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर करूँगा, डिपार्टमेंट नंबर. सो हियर वी कैन सी डिपार्टमेंट नंबर 30 में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 4 है, डिपार्टमेंट 10 में 4 है, 20 में भी 4 है. सो इन दिस बाय यूजिंग द एग्रीगेट फंक्शन काउंट एंड ग्रुप बाय क्लॉज वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट. सो यहाँ पे हम इस काउंट स्टार को अलियास नेम भी लिख सकते हैं. क्या नेम लेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. सो यहाँ पे आ चुका है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 444. सो नेक्स्ट वन इज, अगर यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट का नेम भी चाहिए, सो उसके लिए क्वेरी कैसे लिखेंगे. यहाँ पे मेरे पास डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT, DEPT टेबल में यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम है. सो वी हैव टू फेच द, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम भी लेना है एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी सेलेक्ट करने हैं. दैट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हम AMP टेबल में से निकालेंगे, और डिपार्टमेंट का नेम कहाँ से निकालना है, डिपार्टमेंट टेबल में से. सो हियर वी हैव टू फेच टू डिफरेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टू टेबल्स. सो यहाँ पे हम जॉइन का यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे मैं एक क्वेरी लिखता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ पे डिपार्टमेंट को हम डी अलियास नेम लेंगे. सो डी डॉट डिपार्टमेंट नेम कॉलम, देन एम्प्लॉय टेबल में से डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम ले में, सो ई इज अलियास नेम ऑफ EMP, ई डॉट DEPT नंबर, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेने के लिए एग्रीगेट फंक्शन काउंट फ्रॉम, अभी इनर जॉइन दो टेबल में बनाए ना, तो फ्रॉम एम्प्लॉय, और यहाँ पे इसका अलियास नेम ई, और यहाँ पे इनर INER इनर जॉइन, और दूसरा कौन सा नया टेबल है, DEPT टेबल, उसका अलियास नेम डी, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कंडीशन लिखने ऑन, दो टेबल में से कॉमन कॉलम कौन सा है, DEPT नंबर. सो ई डॉट DEPT नंबर इक्वल्स टू डी डॉट DEPT नंबर, और यहाँ पे हमें ग्रुप बाय लिखना होगा अंत में, GROUP ग्रुप बाय क्लॉज. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल
डी डॉट डिपार्टमेंट नेम एंड नेक्स्ट वन इज ईच डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने हैं, सो एम्प्लॉय डॉट डी पी टी नंबर। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। और यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट आर वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। सो सेल्स डिपार्टमेंट में 4 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट में 4 और उनका डिपार्टमेंट नेम 30 20 10, दिस इज अकाउंटिंग एंड 4 एम्प्लॉयज आर वर्किंग। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट आर वर्क इन ईच डिपार्टमेंट नंबर।